नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एडुपीडिया। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं इतने टाइम से कंटिन्यूसली वीडियोस नहीं लेके आ पा रहा था आपके लिए। सो आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज टू माई यूट्यूब फैमिली, एंड मैं कोशिश करूँगा कि डेली आपके लिए एक दो वीडियोस लेकर आऊँ। नाउ कमिंग टू द वीडियो, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात करी थी ओशंस, कॉन्टिनेंट्स एंड लैटिट्यूड्स के बारे में, राइट? हमने देखा था कि कौन कौन सी अक्षांश रेखाएँ, कौन कौन से लैटिट्यूड्स, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स से गुजरती हैं, राइट? हमने कुछ ओशंस के बारे में भी पढ़ा था, कौन सा एस शेप का ओशन है, कौन सा ट्रायंगल शेप का ओशन है। सो जिन जिन ने वो वीडियो नहीं देखी है अभी तक, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, राइट? इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, राइट? नाउ इस वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, इस वीडियो में हम लोग एक पहला कॉन्टिनेंट उठाएंगे। सो ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, राइट? यहाँ लगता है अटलांटिक ओशन से, यहाँ लगता है पैसिफिक ओशन से। सो इस कॉन्टिनेंट को आज हम स्टार्ट करेंगे, इसको कोशिश करेंगे कि इसको पॉलिटिकल मैप को दो पार्ट्स में कंप्लीट कर लें, राइट? नाउ ये जो है, कोशिश करेंगे हम सबसे पहले इनकी बाउंड्री कंट्रीज को निपटाएं, एक एक कंट्री की कैपिटल, उससे रिलेटेड फैक्ट्स मैं आपको बताता जाऊंगा। तो आई रिक्वेस्ट यू कि अपने पास प्लीज ऑक्सफोर्ड की एटलस लेकर बैठें, ताकि मैं उसकी कैपिटल आपको बताऊं, आप वहां मार्क करें, एंड उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स बताऊं आप उसको नोट डाउन कर लें, राइट? इससे क्या होगा, एग्जाम टाइम में आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि मैं वीडियो के लेक्चर में ही आपको सब याद करा दूं, स्टिल आपको रिवीजन चाहिए होगा। आपको रात में सोते टाइम और एक बार अगले दिन मॉर्निंग में इसको पढ़ लेना, आपके दिमाग में चीज़ें सेट हो जाएंगी, राइट? स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट कंट्री से, जिसका नाम है फ्रेंच गयाना। फ्रेंच गयाना, थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, यह है फ्रेंच गयाना, राइट? फ्रेंच गयाना जिसकी कैपिटल आप याद रखना काइन है, याद रखना काइन। मैं बार बार रिपीट करूंगा वर्ड्स को ताकि आपके दिमाग में थोड़े सेट हो। तो काइन जो है वो कैपिटल है फ्रेंच गयाना की। एक और आपको इंपॉर्टेंट सिटी दिख रही होगी यहाँ, यह है काउरू। काउरू में क्या है, ये काउरू में फ्रांस का सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। फ्रांस का सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन जिसका नाम है एरियन, वो कहाँ पर है, काउरू में। तो फ्रेंच गयाना में आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक काइन एक काउरू, राइट? सेकेंड जो है कंट्री आपको याद रखनी है, यह है सूरीनेम। क्या है सूरीनेम? सूरीनेम की कैपिटल आपको याद रखनी है पैरामारिबो। सूरीनेम की कैपिटल है पैरामारिबो, राइट? थर्ड जो है आपको कंट्री यहाँ दिख रही होगी गयाना। गयाना जो गयाना की कैपिटल आपको याद रखनी है जॉर्ज टाउन। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं गयाना, जॉर्ज टाउन गया, तो गयाना बन जाएगा। जॉर्ज टाउन गया तो उससे क्या बन जाएगा, गयाना आपको याद आ जाएगा, जॉर्ज टाउन, राइट? तो ये तीन कंट्रीज आपको अभी तक मैंने बता दी, एक है फ्रांस गयाना, एक है सूरीनेम, एक है गयाना, याद रखिएगा। नेक्स्ट कंट्री पे आते हैं हम लोग, आपको यहाँ दिख रहा होगा वेनेजुएला, राइट? वेनेजुएला को आपको दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है इसमें अभी, वो है काराकस। काराकस जो है ये लार्जेस्ट सिटी है इन द वर्ल्ड बेस्ड ऑन ऑयल वेल्थ। सबसे ज़्यादा ऑयल के भंडार आपको यहाँ पर मिलेंगे काराकस में, राइट? एक और सिटी आपको याद रखनी है माराकाइबो। क्या है ये माराकाइबो, इसको ऑयल पोर्ट भी कहा जाता है, ऑयल पोर्ट, क्योंकि वेनेजुएला का सबसे ज़्यादा तो ऑयल का जो एक्सपोर्ट होता है वो इसी पोर्ट से होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑयल पोर्ट, याद रखना। काराकस एंड माराकाइबो दोनों वेनेजुएला में है, राइट? इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट कंट्री की तरफ, आपको ये दिख रहा होगा, ये है कोलंबिया। ये क्या है कोलंबिया, थोड़ा जूम इन करता हूँ, ये आपको दिख रही होगी कंट्री कोलंबिया। कोलंबिया में आपको याद रखना है पहले तो इसकी कैपिटल, ये है बोगोटा। क्या है बोगोटा। नाउ कोलंबिया ऐसी कंट्री है जो वेस्ट में पैसिफिक ओशन से भी लगी है और ऊपर से अटलांटिक ओशन से भी लगी है। तो याद रखना कोलंबिया इकलौती कंट्री है साउथ अमेरिका में जो वेस्ट में पैसिफिक ओशन से भी लग रही है और ईस्ट में अटलांटिक ओशन से भी लग रही है। नाउ एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ लिया हमने। यह है फ्रेंच गयाना, राइट? इसकी कैपिटल क्या थी, याद करिए, याद करिए बिल्कुल। तो इसकी कैपिटल क्या थी, काइन, मैंने बताया था आपको। यहाँ पे मैंने काउरू की जगह बताई थी आपको, काउरू जो फ्रांस की सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। इसके बाद आपको मैंने बताई थी ये कंट्री है सूरीनेम। सूरीनेम इसकी कैपिटल मैंने आपको बताई थी पैरामारिबो, राइट? एक कंट्री मैंने यहाँ बताई आपको गयाना, कौन गया था, जॉर्ज टाउन गया था, तो जॉर्ज टाउन बन गई थी इसकी कैपिटल। एक कंट्री आपको मैंने यहाँ बताई वेनेजुएला,
वेनेजुएला जिसकी कैपिटल थी काराकस, ये मैंने आपको एक कंट्री बताई, यहाँ पे कोलंबिया जिसकी कैपिटल थी बोगोटा, और यहां से वो लगता था पैसिफिक ओशन से, ऊपर से लगता था एटलांटिक ओशन से। ठीक है, अभी तक आपको ये चीज आई होप क्लियर हो गई होगी, राइट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट कंट्री, ये है इक्वाडोर। इक्वाडोर में आपको कुछ ज्यादा खास नहीं करना, जो है कैपिटल याद रखना, इक्वाडोर की कैपिटल है क्वीटो। क्या है? क्वीटो, राइट। इसके बाद हम लोग दूसरी कंट्री पे चलेंगे, ये है पेरू। पेरू, पेरू को मैं आपके लिए थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, यहाँ पर आ गए। तो ये है, क्या है ये? पेरू कंट्री, राइट। पेरू में आपको क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले तो इसकी कैपिटल याद रखनी है लीमा। पेरू की कैपिटल है लीमा। ये क्या है? लीमा जो है फेमस है फॉस्फेट के लिए। क्या, किसके लिए? फॉस्फेट के लिए। फॉस्फेट कहाँ से आते हैं? यहाँ पे बर्ड्स ड्रॉपिंग इसका सोर्स है। तो फॉस्फेट जो है बर्ड्स ड्रॉपिंग इसका सोर्स है, तो बर्ड्स ड्रॉपिंग के लिए फेमस है लीमा, राइट। एक और आपको यहाँ पे छोटी सी सिटी दिख रही होगी, ये नास्का। जी हाँ, नास्का जो है ये वही है जिसके नाम पे एक प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट का नाम पड़ा है। ये देखिए, ये है नास्का प्लेट। ये नास्का प्लेट जो है इसका नाम इसी से पड़ा है, नास्का। ये एक सिटी है पेरू में, राइट। तो अभी तक हमने पेरू में क्या क्या देखा? एक है लीमा और एक है नास्का। तो ये दो चीज आप इसको याद रखना। नाउ बढ़ते हैं अपनी अगली कंट्री की तरफ, वो है चिली। ये है चिली। चिली में आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। पहले तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी कैपिटल याद रखनी है, सेंटियागो। चिली कैपिटल क्या है? सेंटियागो। ऐसे बोल सकते हैं हम, याद रखने का तरीका ये हो सकता है कि चिली मतलब चिली में ठंडी हवा चल रही है, इसमें लोग क्या हो रहे हैं? सेंटी हो रहे हैं। तो क्या हो रहे हैं? सेंटी हो रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? सेंटियागो। एक और आपको सिटी दिख रही होगी, ये एरिका। देखना एटलस में आपको दिख जाएगी लिखा हुआ है एरिका। एरिका जो है ये बहुत फेमस है, इसको वर्ल्ड का ड्राइस्ट प्लेस बोला जाता है, सूक्ष्म जगह बोला जाता है, ठीक है। तो क्या होगा? एरिका, राइट। उसके नीचे आपको एक और जगह दिख रही होगी, ये है चुकी का माटा। याद रखना, क्या है ये? चुकी का माटा। चुकी का माटा जो है बहुत फेमस है कॉपर टाउन के लिए। किसके लिए? कॉपर टाउन के लिए। आपको इसके नीचे एक माइंस भी दिखेंगी जिसका नाम है एस्कॉन्डिडा माइंस। दिखाता हूँ आपको, ये लिखा है एस्कॉन्डिडा माइंस। कोई अगर आपसे पूछे एस्कॉन्डिडा माइंस कौन सी कंट्री में, तो दिल खोल के आंसर दे देना कि सर वो चिली में, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो भूलना नहीं है आपको, मैं पढ़ाता जा रहा हूँ आपके पीछे से साफ होता जा रहा है, ऐसा नहीं करना, टिक के नहीं बैठना है पीछे की, पूरा ज्ञान पीछे तकियों में जा रहा है, राइट। आगे बैठना और याद करते जाना जो जो मैं बताते जा रहा हूँ। आगे एक चीज और याद रखना है, चिली के जो सदर्न मोस्ट पार्ट है, ये चिली का जो सदर्न मोस्ट पार्ट है आपको दिख रहा होगा, इसको कहते हैं पुंता एरेनास। क्या बोलते हैं? पुंता एरेनास। ये आपको दिखाता हूं मैं, ये लिखा है, ये क्या है? ये है पुंता एरेनास। याद रखना, पुंता एरेनास जो है, जो चिली के सदर्न मोस्ट पार्ट को कहा जाता है पुंता एरेनास, राइट। पुंता एरेनास हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक स्ट्रेट आपको दिख रही होगी यहाँ, ये एक स्ट्रेट दिख रही है आपको, इसको हम कहते हैं मैगलन स्ट्रेट। क्या बोलते हैं? मैगलन स्ट्रेट। मैगलन स्ट्रेट क्या करता है? मैगलन स्ट्रेट क्या होते हैं पहले तो हमें ये देखना होगा, स्ट्रेट क्या होते हैं? स्ट्रेट एक बोल सकते हैं वाटर बॉडी है जो दो बड़े लैंडमार्क को अलग कर रही है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेट। तो ऊपर एक बड़ा सा लैंडमार्क है, उसको हम कहते हैं मेनलैंड अर्जेंटीना, और ये क्या है? चिली। तो अर्जेंटीना और चिली को अलग करने वाली स्ट्रेट जो है उसको कहते हैं मैगलन स्ट्रेट। इसको मैं दूसरे मैप से भी दिखवा देता हूँ आपको। सो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ आपके लिए, ये आपको दिख रहा होगा, राइट। ये जो है ये क्या है? मैगलन स्ट्रेट। ये आपको ऊपर अर्जेंटीना दिख रहा है और नीचे ये चिली दिख रहा है। तो चिली और मेनलैंड अर्जेंटीना को अलग करने वाला जो है उसको कहते हैं मैगलन स्ट्रेट, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो एक चीज आपको याद रखना है, चिली के अगर आप थोड़ा वेस्ट में आएंगे, वेस्ट में आएंगे तो एक आइलैंड आपको दिखेगा, ईस्टर आइलैंड। काफी एटलस में नहीं लिखा है बुक्स में, तो काफी एटलस में नहीं है, तो आप उसको मार्क कर लेना उसमें। तो एक जो है ईस्टर आइलैंड जो है ये बहुत अच्छी वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो ये जो है पार्ट है चिली का, राइट। एक चीज और याद रखना है आपको, जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है साउथ अमेरिका का, सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो है केप हॉर्न। याद रखना केप हॉर्न। केप क्या होता है? केप एक तरीके से इस शेप का बनता है जो नुकीली बिंदु टाइप की बन रही है, तो इस वी शेप का जो बन रहा है उसको हम कहते हैं केप। तो ये जो है केप हॉर्न जो है एक्चुअली में चिली का पार्ट। तो केप हॉर्न कहां पर है? केप हॉर्न आपको दिखेगा चिली में, प्रिसाइजली साउथ अमेरिका में, राइट। ये एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से। सो यहां तक सर आपने बताया था, ये अपना फ्रेंच गयाना जिसकी कैपिटल थी काइन,
यहाँ पे आपने काउरुए नाम की एक जगह बताई थी, सेटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है फ्रांस का, ये सुरीनेम जिसकी कैपिटल थी पैरामारिबो। सर आपने ये बताया था ये गयाना भी थी जगह, बिल्कुल गयाना जो है, गया कौन था, जॉर्ज टाउन गया था। ये आपने कंट्री बताई थी वेनेजुएला, वेनेजुएला में अगर आप ऊपर देखेंगे तो इसकी कैपिटल थी काराकस। ये आपको क्या दिखी थी कंट्री, कोलंबिया जिसकी कैपिटल थी बोगोटा। यहाँ ये लग रही थी पैसिफिक ओशन से, यहाँ ये लग रही थी अटलांटिक ओशन से। ये आपको कंट्री दिखी थी इक्वाडोर जिसकी कैपिटल थी क्विटा, राइट। ये आपको कंट्री दिखी थी पेरू जिसकी कैपिटल मैंने आपको बताई आपको लीमा, याद रखना लीमा, जो फॉस्फेट के लिए भी बहुत फेमस थी, बर्ड्स ड्रॉपिंग के लिए फेमस थी। एक जगह और थी जिसका नाम था नास्का, जिसके नाम पे टेक्टोनिक प्लेट का नाम पड़ा था। एक कंट्री मैंने आपको बताई है चिली, जिस चिली की कैपिटल आपको बताई सेंटियागो। यहाँ एक जगह बताई आपको एरिका, एरिका जो है वर्ल्ड की सबसे ड्राइस्ट प्लेस है, राइट। यहाँ एक जगह बताई चुकीकामाटा, चुकीकामाटा किसके लिए फेमस है, कॉपर टाउन के लिए फेमस है, राइट। एक जो आपको एक चीज और बताई थी मैंने, यहाँ पे एस्कॉन्डिडा माइंस भी बताई थी मैंने जो कॉपर के लिए बहुत फेमस है। सदर्न मोस्ट पार्ट जो मैंने आपको बताया था चिली का वो है पुंता एरेनास। यहाँ मैंने आपको ईस्टर आइलैंड बताया था, यहाँ मैंने आपको केप हॉर्न बताया था, राइट। आई होप आपको ये चीजें याद हो गई होंगी, राइट। सो ये सारी कंट्रीज हमने अभी तक कर ली हैं, ये यहाँ से लेके बॉर्डर वाली कंट्रीज सारी अभी तक हमने इस वीडियो में निपटा दी हैं। सो अगले पार्ट में हम लोग अर्जेंटीना, ये उरुग्वे पैराग्वे भाइयों को निपटाएंगे, ये बोलिविया, ये ब्राजील। तो अगली बार इन कंट्रीज के फैक्ट्स, इनकी कैपिटल हम लोग याद कर लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और रात में सोने से पहले एक बार रिवाइज कर लेना और सुबह उठ के एक बार रिवाइज कर लेना, तो ये चीज़ आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी, राइट। तो अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी नॉलेज थोड़ी बढ़ सके, राइट। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।